Hello Kaushal, you both are doing great job with Mayank Fish Life. All the best and good luck. You got me singing way oh way oh oh. You look like a guy who could treat me right. Way oh way oh oh. Why take a chance when you let me ride? Way oh way oh oh. I could be the best thing in your life. Way oh way oh oh. Baby, let's take a drive, take a drive. गाइस कैसे हैं आप सभी। मेरा नाम है कौशल और आप देख रहे हैं मैरिन फिश लाइफ। तो आज का जो वीडियो है उसमें बहुत सारा चीज मैं बताने वाला हूँ आर्गुलस के बारे में। अगर इसका नाम नहीं पता तो एक तरह का ये पैरासाइट है जो मछली के बॉडी पे चिपक जाता है और जिसके कारण मछली मर जाती है। और मरती क्यों है? क्योंकि उसका जो वो पैरासाइट है वो उसको धीरे धीरे खाता है। ओके, धीरे धीरे मतलब फिन वगैरह को, मतलब बहुत सारे ऐसे बीमारी आ सकता है उसे, फिन रॉट आ सकता है, बहुत सारा ऐसा है। फिन रॉट होगा, उसका जो स्किन सेल है वो खाएगा, मतलब मछली का ग्रोथ से लेकर हर चीज वो बंद कर देता है ये पैरासाइट्स। तो यार बहुत ही खतरनाक होता है और खासकर ये बारिश के सीजन में और जब आपका फिल्ट्रेशन गंदा हो, ये सब चीज के कारण जल्दी आता है एक्वेरियम के अंदर। तो ये हर बिगनर्स को फेस करना पड़ेगा इस चीज को। और एक तो एक मेरे सब्सक्राइबर थे जिनके फ्लावर होन के टैंक में पूरा मतलब ये पैरासाइट्स पूरी तरह से फैला हुआ था, मतलब जहां देखो वहां मतलब पूरे पानी में फ्लोट कर रहा था एक तरह से और पूरे फ्लावर के बॉडी में चिपका हुआ था। तो मैंने उन्हें बताया कि भाई सबसे पहले तो बॉडी से आपका स्टिक वगैरह से पहले बॉडी से उस पैरासाइट्स को निकाल लो। जैसे ये मछली जो है डेथ हो चुकी है, इसका डेथ हो चुका है इस पैरासाइट्स के कारण। तो यार सबसे बड़ी बात मैं बताना चाहूंगा इसके बारे में कि ये जो पैरासाइट है आर्गुलस जो है वो अगर आप सही टाइम पे इसे नहीं देख के नहीं हटाते हो तो बहुत बड़ा मतलब एक तरह से ये 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5 मतलब फैलते जाएगा और आपका टैंक पूरी तरह से इससे भर जाएगा। तो यार सबसे अच्छा तरीके से क्योर करने का, बहुत लोग यूज करते हैं मिथिलिन ब्लू, बहुत लोग यूज करते हैं एंटीबायोटिक मेडिसिन, ठीक है। तो इन सब चीजों से कुछ नहीं होने वाला है। अगर आप यूज करो एक चीज जो अगर देखो नेचुरल चीज को अगर नेचुरल ढंग से अगर इसे सुधारा जाए तो सबसे बेस्ट होता है। तो अगर इसका नेचुरल ढंग ये है कि एंजल फिश ही इसका एक इलाज है। अगर आप अपने टैंक में एंजल फिश को डालते हैं तो यार सबसे बेस्ट है। वो क्या करती है, लीसेस को खाती है, उसका फेवरेट है, बहुत चाव से खाती है और एक एक लीस को वो पकड़ पकड़ के खाती है ताकि आपके एक्वेरियम में एक भी लीसेस ना बचे और ना उसका एक बचे। तो वो अच्छे से वो ट्रीट करती है और मछली के बॉडी से भी वो खाती है। अगर मान लीजिए अग्रेसिव फिशेज है आपके मतलब टैंक में अग्रेसिव फिशेज है तो आप क्या करोगे, एंजल फिश को तो वो खा जाएगी। तो क्या करना है, पहले फ्लावर हॉर्न को निकाल लो, उसके जितना भी लीसेस लगा है उसे हटा दो। उसके बाद क्या करना है आपको कि मतलब फ्लावर हॉर्न को अलग टैंक में डाल दो, ओके, और उस टैंक में आप एंजल फिश छोड़ दो, ओके। तो ऐसा कर सकते हो, बहुत ज्यादा तो पानी चेंज करना होगा आपका। अगर एक भी अगर बच गया या फिर प्लांट वगैरह पेड़ पौधों में चिपक गया और रह गया तो आप समझ लो भाई वो कभी जाने वाला नहीं है। तो यार अगर अच्छे से क्योर करना है तो एंजल फिश डालो, सबसे बेस्ट आइडिया है। और इस साइड से आपको बच के रहना, यार बहुत ही खतरनाक चीज है, आप लोगों ने भी आई थिंक देखा होगा, बट सबसे बेस्ट आइडिया है एंजल फिश, ओके। तो थैंक यू दोस्तों, ये थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए था। बहुत ही मतलब मैंने देखा, बहुत लोग देखा कि ऐसा कुछ नहीं कर पाते और बहुत सारी मछलियाँ इसके कारण मर जाती है। तो मैंने सोचा चलो भाई इसके ऊपर मैं एक वीडियो बना देता हूँ। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।